जो well. हम कर चुके हैं उम्मीद है, है आपको काफ़ी समझ आ गए होंगे एलेक्ट्रॉनिक्स में हमने काफ़ी चीज़ें देखी जिसमें हमने सेमी कंडक्टर्स देखे उनके टैब्स देखे इसी तरह हमने उसमें जंक्शन देखे बाइसिंग देखा एलेक्ट्रिफिकेशन देखा ट्रांजिस्टर देखा उनका ऑपरेशन देखा एम्पलीफिकेशन उसमें देखा ये कर चुके हैं तो इसमें एक ही पॉइंट रह चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पॉइंट है हमारे पास नूमेरिकल प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हमारे पास फर्स्ट है कि रेजिस्टेंस आपने आपको क्या मालूम करना है रेजिस्टेंस मालूम करना है across सिलिकॉन junction silicon diode that पॉइंट 0.5 ampere of current means जो डायोड यूज हो रहा है उसमें सिलिकॉन डायट का जो करंट है वो है 0.5 ampere फाइव एम्पियर का करंट है विध जीरो ड्रॉप अक्रॉस टू टर्मिन जो वोल्टेज ड्रॉप है means वोल्टेज की वैल्यू 0.8 volt एट वोल्ट है तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हम ओम्स ला कर चुके हैं वी इज इक्वल टू आई आर वी आई आर तीन चीजें इसमें आ रही है केक डायोड है सिलिकॉन डायोड उसमें हमने रेजिस्टेंस मालूम करना है जो डायोड में जो करंट है सिलिकॉन डायोड में वो 0.5 एंपियर है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.8 वोल्ट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा सिंपल v i r अगर हमें r चाहिए तो i इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो r हमारे पास आ जाएगा v अपॉन i V की जगह हम पुट करेंगे 0.8, I की जगह करेंगे 0.5, इनको डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ हमारे पास 1.6 आंसर आएगा V means, R means resistance, रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं ओहम में तो 1.6 पॉइंट ओहम हमारे पास आंसर होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ मच इज द एमिटर करंट हाउ मच मीन्स हमने क्या मालूम करना है करंट हमने मालूम करना है विद 100 मिली एम्पेयर फॉर कलेक्टर करंट मीन्स जो कलेक्टर करंट है वो 100 मिली एम्पेयर है हमारे पास एंड एट माइक्रो एम्पेयर फॉर बेस करंट मीन्स जो बेस करंट है वो है हमारे पास एट माइक्रो एम्पेयर तो ये सिंपल क्वेश्चन है हम ये रिलेशन कर चुके हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर्स में कि जो आई ही रीजन है इमिटर रीजन से करंट जाता है थ्रू बेस रीजन एंड इमिटर रीजन ये सिंपल इक्वेशन हम कर चुके हैं ट्रांजिस्टर के टॉपिक में तो इसमें सिंपल से वैल्यूज पुट करनी है हमने अब बेस मतलब 800 माइक्रो एम्पियर एट माइक्रो एम्पियर माइक्रो मीन टेन पावर सिक्स प्लस आईसी की जगह 100 मिली एम्पियर अंड्रेड मिली एमपेयर टेन पावर माइनस थ्री मीन्स मिली तो यहाँ पर हमारे पास हम इनको सिंपल ऐड करेंगे अब इनको किस तरह हम ऐड करेंगे ये ये टेन टेन मीन्स बेस सेम पावर ऐड तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री तो इसको हम लिखेंगे टेन माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री हमारे पास है यहां पर हमारे पास है एट हंड्रेड एंड 100 ये आई थिंक सो इट इज पॉइंट हंड्रेड ये मिस्टेकनली लिखा होगा ये पॉइंट एट है हमारे पास ये आई थिंक सो पॉइंट एट वैल्यूज आप देख ले अगर वैल्यूज चेंज भी ना हो वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं मेन मकसद बताने का कि फार्मूला क्या पुट करना है सॉल्व कैसे करना है मेरे ख्याल में ये पॉइंट एट है आप चेक कर अगर वैल्यूज चेंज भी ना हो आप मेथड देख ले अब 100 और को जब आप ऐड करेंगे तो 100.8 पॉइंट एट हमारे पास आंसर आएगा अब हमारे पास 100.8 पॉइंट एट एंड माइनस सिक्स ये है और ये हमारे पास माइनस थ्री तो माइनस सिक्स और माइनस थ्री को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मिली है और ये हमारे पास क्या है ये माइक्रो है माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री हमारे पास माइनस नाइन बन जाएगा करंट मींस एम्पेयर तो अंड्रेड पॉइंट एट हमारे पास हंड्रेड पॉइंट एट आंसर आ चुका है हमारे पास या फिर अगर अगर इसकी वैल्यू एट हंड्रेड है आई एम नॉट श्योर अगर इसकी वैल्यू एट हंड्रेड है तो उससे हमारे पास क्या होगा अब एट हंड्रेड मीन्स माइक्रो मीनस टेन पावर माइनस सिक्स अगर इसको हम पॉइंट यहां पर है अगर पॉइंट यहां पर ले आए वन टू थ्री अब ये ज़ीरो पॉइंट एट बच गए अब ये है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट एट अब जब ये ज़ीरो पॉइंट एट बना तो ये हमारे पास कितना हुआ मैं भी ये मिस्टेक है शायद ये हमारे पास है ज़ीरो पॉइंट एट है मेरा अगर एट हंड्रेड होगा तब अभी आंसर यही आएगा लेकिन टेन का जो पावर है वो हमारे पास उसमें चेंज आएगा अब जैसे कि मैंने कहा अगर ये एट हंड्रेड हो एट हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइक्रो माइक्रो मीन्स माइनस सिक्स तो अगर इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो अब माइनस सिक्स माइनस थ्री हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस नाइन एट हंड्रेड एट हंड्रेड हंड्रेड ये नाइन हंड्रेड हो जाएगा इस तरह आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं या इसको इस फॉर्म में अगर दिया है एक दो तीन तो ये हो जाएगा पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस थ्री फिर ये पॉइंट एट और हंड्रेड को जब हम ऐड करेंगे तो हंड्रेड पॉइंट एट हो जाएगा ये माइनस सिक्स है और ये माइनस थ्री है तो ये माइनस सिक्स और हमारे पास माइनस थ्री तब भी वही आंसर ही आएगा तो ये आई एम नॉट श्योर अबाउट वैल्यू के इसको वैल्यू एट हंड्रेड है या पॉइंट एट है लेकिन वैल्यू जो भी हो हमारा मकसद है फार्मूला कौन सा पुट करना है एमीटर करंट के लिए ये फार्मूला हमने पुट करना है आई बी प्लस आई सी इसके बाद है हमारे पास अ ट्रांजिस्टर एज अल्फा एक ट्रांजिस्टर है जिसमें करंट गेन अल्फा की वैल्यू है 0.995 इफ इमीटर करंट मींस आई मींस आई इमीटर करंट इज 80 मिली एम्पेयर इट मींस मिली व्हाट इज दिस दिस एंड दिस ये तीन चीजें हमने मालूम करने हैं अब जैसे कि हमने ये कह रहे ट्रांजिस्टर है जिसमें इमिटर करंट ये है तो आप मुझे बेस करंट कलेक्टर करंट और करंट गेन मींस बीटा आप मुझे मालूम करके दो अब यहाँ पर सिंपल हम यूज कर सकते हैं इमिटर करंट के लिए एक करंट गिवन है तो हम इनको किस वैल्यू से किस हमने एक फार्मूला पढ़ाया है बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी अब आई भी अननोन है आई भी अननोन है दोनों अननोन है तो ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते अल्फा हम यूज़ करते हैं अल्फा हमारे पास है आई सी अपॉन आई ई ये यूज कर सकते हैं क्यों क्योंकि आई ई भी गिवन है आई सी मालूम करना है अल्फा भी हमें ऑलरेडी गिवन है तो इसमें हमने आई सी मालूम करना है अगर आई सी मालूम करना है आई ई इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फर्स्ट मालूम करने के लिए हमें आई सी इज इक्वल टू एल्फा आई ई आई सी इज इक्वल टू एल्फा की जगह पॉइंट नाइन नाइन फाइव आई ई की जगह एटी मिली एम्पेयर तो अब टेन पावर माइनस थ्री तो एज इट इज होगा पॉइंट नाइन नाइन फाइव को हमने मल्टीप्लाई करना है एटी से पॉइंट नाइन नाइन फाइव को जब आप एटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सेवनटी नाइन 0.6 समथिंग आंसर आएगा तो इसको आप 79.6 नाइन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस थ्री एम्पेयर लिख ले या इसको आप 79.6 नाइन पॉइंट पावर थ्री मीन्स मिली इसको आप मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं तो ये है हमारे पास कलेक्टर करंट अब दूसरा हमारे पास अब मालूम करते हैं बेस करंट अगर हमने मालूम करना है अब देखिए आई ई इज ये जो सिंपल रिलेशन हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है अब आई ई अमे गिवन है आई सी आ चुका है तो आई बी है तो इस फॉर्मूले से हम आई बी मालूम कर सकते हैं तो आई बी हमारे पास अगर हमने आई बी मालूम करना है तो आई सी जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा आई ई की जगह एटी मिली एम्पेयर वैल्यू पुट करते हैं एटी मिली एम्पेयर माइनस आई सी आईसी हमारे पास है 79.6 मिली एम्पेयर ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा क्या आई अब 80 मिली एम्पेयर को हमने माइनस करना है 79.6 मिली एम्पेयर से तो ये सिंपल है 80 को अगर 79.6 से कर ले तो सेवन पॉइंट में आप चार नंबर ऐड करेंगे तो वो 80 बन जाएगा तो अगर इससे 80 माइनस करेंगे तो सिर्फ पॉइंट फोर ही रह जाएगा 0.4 ही कम है 80 को कंप्लीट करने के लिए तो सिर्फ 0.4 मिली एंपियर एज इट इज तो इसको आप मिली एंपियर एज इट इज लिख सकते हो ये हमारे पास क्या है ये आई बी है थर्ड हमने करंट गेन मालूम करना है करंट गेन हमारे पास किस चीज के इक्वल है आई सी अपॉन आई बी, जो बीटा हमने मालूम करना है अब वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी IC हमारे पास है 79.6 मिली एंपियर आईबी हम मालूम कर चुके हैं 0.4 मिली एंपियर 10 पावर माइनस -3 10 पावर माइनस -3 मींस मिली मिली एक दूसरे से कैंसल रहेगा 79.6 डिवाइडेड बाय 0.4 इसे हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 199 आएगा 199 हमारे पास क्या है ये करंट गेन है अब करंट गेन जिसको आप इस तरह एंपियर में भी लिख सकते हैं तो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि द करंट गेन बीटा यही क्वेश्चन है यहां पर अल्फा दिया था यहां पर बीटा दिया है बस द करंट गेन बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 200 मींस हमें बीटा दिया है 200 इफ द बेस करंट इज 0.2 मिली एंपियर अगर हमारे पास बेस करंट 0.2 मिली एंपियर हो फाइंड आईसी मालूम करना है आई ई मालूम करना है एल्फा मालूम करना है अब यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हमें मालूम करना है तो अगर हम का फार्मूला पुट करते हैं तो वो हमारे पास आई सी अपॉन आई अब आईसी भी मालूम करना है आई ई भी तो दोनों अन नॉन है जब दोनों अन नॉन होंगे एल्फा मालूम नहीं कर सकते या अगर हमें आई सी मालूम करना है तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इसमें आई ई और एल्फा दोनों अन नॉन है तो इसी को देखकर हमारे पास कौन सा फार्मूला जो हमने यहाँ पर यूज किया था अब इसको देखकर हम बीटा यूज करेंगे क्यों क्योंकि बीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो फर्स्ट पॉइंट मालूम करते हैं बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी हमारे पास क्वेश्चन है अब देख ले आई बी भी गिवन है बीटा भी गिवन है आई सी हम मालूम कर सकते हैं बीटा जब इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा बीटा आई बी इज इक्वल टू बीटा की जगह टू हंड्रेड आई की जगह पॉइंट टू मिली एम्पेयर अब हमें चाहिए आई तो हमने टू हंड्रेड को पॉइंट टू मिली एम्पेयर से मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टू हंड्रेड को पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक सो फोर्टी इसका आंसर होगा मिली एज इट इज एम्पेयर इसका यूनिट होगा तो फोर्टी मिली एम्पेयर हमारे पास होगा आईसी अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास हमें क्या मालूम करना है सेम उसी तरह क्वेश्चन है अब देखिए आईसीबी है आईबीबी है तो अगर हमारे पास आईसीआईबी है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी आईई हमने मालूम करना है क्योंकि वो अननोन है तो आईबी की जगह हम क्या पुट करते हैं 0.2 मिली एंपियर इसका आंसर है प्लस आई की जगह हम फोर्टी मिली एम्पेयर यूज करेंगे तो आई की जगह हमने मिली यूज किया है आईसी की जगह हमने मिली यूज किया है इनको आपने सिंपल ऐड करना है तो अगर 40 में आप पॉइंट टू एड करते हो तो आंसर क्या आता है फोर्टी पॉइंट टू मिली एम्पेयर एज इट इज तो ये हमारे पास रहा आई ई थर्ड रहता है एल्फा अब एल्फा का जो फार्मूला था वो हम यूज कर सकते हैं अल्फा हमारे पास क्या है आई सी अपॉन आई ई आई सी हमारे पास गिवन है हम मालूम कर चुके हैं फोर्टी मिली एम्पेयर आई ई हमारे पास क्या है सॉरी यहाँ पर चूंकि करंट की एम्पेयर और एम्पेयर कैंसल हो जाएंगे ये दोनों के एम्पेयर एम्पेयर तो यूनिट है तो इस बीटा का मतलब यहाँ पर यूनिट नहीं है सॉरी अब 40 मिली एम्पेयर आई ई मीन्स हमारे पास आई ई हम मालूम कर चुके हैं 40.2 पॉइंट टू मिली एम्पेयर आईसी की वैल्यू भी हम पुट कर चुके हैं और आई ई की वैल्यू भी हम पुट कर चुके हैं मिली एम्पेयर मिली एम्पेयर कट जाएंगे तो हमारे पास जीरो पॉइंट फोर्टी और फोर्टी पॉइंट टू को आप डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा तो अल्फा हमारे पास क्या है ये है पॉइंट हमारे पास नाइन नाइन फाइव अब यहां पर इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर जब हमें अल्फा पॉइंट नाइन नाइन फाइव मिला था तो हमें बीटा मिला है नाएं नाएं या इसको हम टू हंड्रेड तकरीबन कंसिडर करते हैं दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर हमें बीटा गिवन है टू हंड्रेड तो अल्फा क्या आना चाहिए पॉइंट नाइन नाइन फाइव हमें अल्फा मिला है पॉइंट नाइन नाइन फाइव ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था करंट गेन के लिए कि अगर हमारे पास सिलिकॉन यूज हुआ हो ट्रांजिस्टर में बनाने के लिए मटेरियल सिलिकॉन हो सेमीकंडक्टर के लिए तो उस सिलिकॉन के अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है पॉइंट नाइन नाइन फाइव एंड टू हंड्रेड तो अगर ये पॉइंट नाइन फाइव होगा तो ये टू हंड्रेड ही आएगा और अगर ये हमारे पास बीटा टू टू हंड्रेड हो तो अल्फा हमारे पास पॉइंट नाइन नाइन फाइव भी आएगा लास्ट क्वेश्चन है इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है इसका क्वेश्चन को आप बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का द इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट इज ये हमारे पास स्टार्ट सेंटेंस है तो आप मजीद क्वेश्चन को देख सकते हैं बुक से मैं डायरेक्ट मैंने डेटा लिखा है कि एक हमारे पास एम्पलीफायर है जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है हमारे पास इस एम्पलीफायर में जो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है इनपुट रेजिस्टेंस आर बी आर बी क्यों लिखा है क्योंकि अगर आप डायग्राम देख ले लास्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं बुक से देख सकते हैं इनपुट सिग्नल पे हमारे पास होता है बेस रीजन बेस रीजन के अक्रॉस जो था हमारे पास वो था आर जो रेजिस्टेंस होगा तो आर होगा इनपुट पे हमारे पास बेस था तो वो आर बी होगा वो हमारे पास टू किलो ओह है जो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है, हमने ये भी देखा उस सर्किट डायग्राम में एम्पलीफायर का कि आउटपुट पे हमारे पास कलेक्टर था तो कलेक्टर के जो रेजिस्टेंस होगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास एट किलो ओहम होगा क्या फाइंड करना यह रहे आउटपुट वोल्टेज हमें मालूम करके दो आउटपुट हमें वी नोड या वी ओ से जाहिर करते हैं यह हम लास्ट टॉपिक के प्रूफ में भी कर चुके हैं यही नोमेरिकल हमने यही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में ही किया है तो रिसेंटली आपने इसको देखा होगा वी इन इनपुट वोल्टेज हमारे पास मिली हंड्रेड है।, है, है इस सर्किट के दौरान तो ये कह रहे हैं आप मुझे आउटपुट वोल्टेज मालूम करके दो अब आउटपुट वोल्टेज को मालूम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है वो हमने देखना है अब आउटपुट वोल्टेज मीन वी इज इक्वल टू आई आर आउटपुट पे जो करंट होगा आईसी क्योंकि करंट कलेक्टर आउटपुट में होता है आउटपुट पे जो होता है रेजिस्टेंस कलेक्टर तो होता ही है आउटपुट पे तो आउटपुट के लिए तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ये सिंपल एक फार्मूला है अब इस फार्मूले को देखकर हमें आर सी चाहिए लेकिन यहां पर आर सी गिवन नहीं है हमें आर सी चाहिए आर सी गिवन है तो एक आईसी मालूम करने के लिए हमने इतने स्टेप्स करने पड़े किस तरह से इन इनपुट in, पे जो वोल्टेज है बेस वो रीजन तो आई बी आर बी अब यहां पर हमारे पास हमने क्या मालूम करना है आई बी क्यों क्योंकि आर बी हमारे पास गिवन है वी इन हमारे पास गिवन है तो आर बी इस तरफ जब आता है तो वो डिवाइड हो जाता है वी इन की जगह सिक्स मिली वोल्ट सिक्स मिली वोल्ट आर बी की जगह टू किलो ओह टू किलो टेन पावर थ्री टू किलो ओह अब टू वन जा टू थ्री झा सिक्स ये माइनस थ्री जब ऊपर जाता है तो ये माइनस थ्री हो जाएगा प्लस थ्री ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री फिर जब वो माइनस थ्री और ये माइनस थ्री एड हो जाएंगे तो माइनस सिक्स हमारे पास आंसर आएगा ये था हमारे पास ib ये हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने मालूम करना है ic तब बीटा हमारे पास करंट गेन है ic अपॉन ib ic हमने यहां पर मालूम करना है इसको कंप्लीट करने के लिए तो ib डिवाइड हो रहा है इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अब देखिए बीटा तो गिवन है 100 उसकी जगह हमने 100 पुट किया है ib हमारे पास क्या होगा इस ib को मालूम करने के लिए हमें ये इनपुट वाले स्टेप्स करने पड़े जिससे हमारे पास आई बी थ्री मल्टीप्लाई बाईन पावर माइनस सिक्स एम्पेयर या थ्री माइक्रो एम्पियर हमारे पास आई बी आया है तो बीटा की जगह ये 100 आई बी की जगह थ्री मल्टीप्लाई बाइट पावर माइनस सिक्स अब इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है देखिए थ्री इसी तरह है इस 100 को हम टेन पावर टू तो लिख सकते हैं ये टेन पावर माइनस सिक्स है ये टेन पावर माइनस सिक्स पावर एड माइनस सिक्स माइनस फोर तो डायरेक्ट आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस फोर एमपियर आई होगा तो अब हमें आई भी मिला है और हमारे पास आर भी है तो हम आउटपुट वोल्टेज मालूम कर सकते हैं आउटपुट में आई की जगह थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस फोर आर सी एट किलू ओम एट किलोमीन्स टेन पावर थ्री तो आर सी जगह हम करते हैं एट किलूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट जा, है मैंनस वन। मैंनस वन एक पीछे। तो इसमें हमें माइनस वन जब खत्म करना है तो एक पॉइंट यहां पर लाएंगे तो टू पॉइंट फाइव फोर वोल्ट होगा तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर इनके न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर एंड हो चुका है तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होंगे ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे हमारे पास तो जो नुम प्रॉब्लम है हमने तो आई ई आई, आई बी आई सी पढ़ते आ रहे हैं तो सिंपल अगर आपको इमिटर करंट चाहिए तो बेस और कलेक्टर गिवन होगा वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है यहाँ पर एक श्योरिटी मैंने आपको ये नहीं बताया कि या तो पॉइंट एट इसका वैल्यू है क्या इसका हंड्रेड एट हंड्रेड होगा तो ये आप कंफर्म देख ले फॉर्मूला यही इसमें यूज होगा इसके बाद हमने सिंपल ट्रांजिस्टर के वाले से एक और मेरिकल देख हमारे पास कि अगर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है उसमें करंट गेन एल्फा दिया हो तो आप मुझे एक एल्फा दिया है और एक आपको इमिटर करंट आई ई गिवन है तो बेस करंट कलेक्टर करंट बीटा करंट गेन क्या होगा तो वो सिंपल फार्मूलेज हम कर चुके हैं इसी इसी के तरह सेम यही क्वेश्चन है फर्क ये है वहां पर अल्फा गिवन है तो यहाँ गिवन है टू हंड्रेड बाकी वही फार्मूले इसमें यूज होंगे ये ट्रांजिस्टर तक थे लास्ट निकल यही लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है जो हमने ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज़ किया था अब इसमें वही कह रहे हैं कि जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज

फिर उसके यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास आई मिला तो आई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की और आर से हमारे पास एट किलो ओह ऑलरेडी है तो इससे इसका आंसर आएगा तो उम्मीद यही है कि ये नोमरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे आपका हम लोग बहुत शुक्रगुजार गुजार है आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं उम्मीद यही है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टौप, थे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स इनको समझना कॉम्प्लिकेटेड है मुश्किल है लेकिन अगर एक बार आप समझेंगे तो आपका हर टॉपिक के लिहाज से कंसेप्ट क्लियर होगा तो जो हेल्प हमारी लिए हो जो हेल्प है आपके लिए वो हम कर चुके हैं उम्मीद यही है कि आप इनसे फायदा उठाए और कामयाब रहे हमेशा कामयाब रहे आपके लिए हम दुआगो होंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तब तक के लिए हलाफिस थैंक यू सो मच